सेम उसी तरह से यहां पर ए टू आई और जे टू आर को 1 से 9 के डिजिट्स दिए गए हैं और एस टू जेड को 9 से 1। हालांकि टेररिस्ट ग्रुप इन नंबर और डिजिट्स को अपने हिसाब से घुमाते रहते हैं, बट स्टिल आई हैव टू फाइंड आउट कि ये 22 डिजिट्स जो हैं, अब इनके अल्फाबेट्स को जोड़ने के बाद कौन सा वर्ड फॉर्म होता है। सर, अगर हम अनऑफिशियली इस केस पर काम कर ही रहे हैं तो हमें उस क्रिमिनल अमरिंदर पर भी रीलुक करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता था कि अमरिंदर का गुलशन से कनेक्शन होगा। हाँ, पर शर्मा का अमरिंदर तो काफ़ी लंबे अरसे से अंडरग्राउंड है ना। सर, अगर मान लें कि अमरिंदर का गुलशन से कनेक्शन हो तो मकबूल भी अमरिंदर से कनेक्टेड हो। मुमकिन है, इन्वेस्टिगेट इट। अरुंधति मैडम, कोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन लेकिन मनिका रोज मेरे सपने में आती है और यही कहती है कि उसे इस नर्क से मुक्ति चाहिए। मुक्ति तो हम नहीं दे सकते, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मनिका की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ गुलशन नहीं डॉक्टर सचिन भी है? उसने ही जानबूझकर मनिका की रेप केस की बात छिपाई थी। अब इन बातों का क्या फायदा मैडम, पुलिस ने अरेस्ट तो सिर्फ गुलशन को ही किया था ना। बोला शर्मा। सर, मैं अमरिंदर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसके होम टाउन गंगानगर आया हुआ था। सर, मुझे गंगानगर पुलिस स्टेशन से 3 साल पहले हुए 2 बहनों के रेप केस के बारे में पता चला है, जिनकी लाशें पेड़ पे लटकी हुई मिली थी। और इसका हमारे केस से कोई ताल्लुक? सर, कनेक्शन है। इस रेप केस के एक विटनेस ने उन दोनों बहनों के साथ एक अज्ञात आदमी को देखा था, उसका स्केच भी बना था और वो स्केच गुलशन खन्ना के चेहरे से मैच करता है। सर, ये रेप केस उसी दौरान सामने आया जब गुलशन खन्ना जेल से फरार हुआ था। मतलब जेल से फरार होने के बाद गुलशन खन्ना ने गंगानगर में 2 लड़कियों का रेप और कत्ल किया। जी सर, और सर मनिका के केस में भी यही सवाल उठते थे कि मनिका का भी रेप हुआ था, पर उस वक्त डॉक्टर सचिन ने साफ साफ कहा था कि मनिका का रेप नहीं हुआ। मेरे साथ हुए गुनाहों के रास रोज मेरे अंदर मर रहे हैं और कोई नहीं जानता मैं क्या चाहती हूँ, जिंदगी या मौत। मनिका, मनिका, मनिका! मनिका के लिए की जा रही इच्छा मृत्यु की फरियाद अदालत लगातार अस्वीकार करती जा रही थी, लेकिन 10 साल से मनिका के अंतर्मन में चलती आ रही उसके दर्द की पुकार कुदरत ने ऐसे सुनी कि उसे खामोश मौत का फैसला सुना दिया। लेकिन मनिका मरने के बाद भी मीडिया के लिए जिंदा हो गई, मुद्दा फिर से गर्म होने लगा और ये सवाल दोबारा उठने लगे कि क्या उसका 10 साल पहले रेप भी हुआ था। और जब यह जग जाहिर हो गया कि मनिका का गुनहगार गुलशन खन्ना जेल से फरार है तो पुलिस चारों तरफ दबावों से घिर गई। सर, हम गुलशन खन्ना का तो अभी तक पता नहीं लगा पाए, पर मुझे लगता है कि जो 22 डिजिट का कोड था वो मैंने डिकोड कर लिया है। तुमने डिकोड कर लिया? यस सर। सर, इस कोड में ये जो टोटल अल्फाबेट्स हैं उनको इस तरह से डिजाइन किया गया है, ए टू आई और जे टू आर, इन्हें 9 से 1 के डिसेंडिंग नंबर्स दिए गए। ठीक है, 1 घंटे के अंदर लड़की मेरे को यहाँ चाहिए। इसे नीचे उतारो। क्यों? उतरो। अरे, चलो उस गाड़ी में बैठो। लेकिन क्या हुआ है? जैसा कहा जा रहा है वैसा करो तुरंत, चलो चलो। चलो बाहर निकलो। उतरो। तुम जा सकती हो। नहीं नहीं,
आप लोग मुझे मार दोगे ना? साहब, साहब, I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। वो लोग ने मेरे को मजबूर किया था झूठ बोलने के। हम जानते हैं तुमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए तुम अपने चाचा चाची के पास जाने के लिए आसान। आपने ढूंढ लिया उन लोगों को? वो सुरक्षित है और तुम लोगों को आई साहब से डरने की जरूरत नहीं है। आई साहब की बादशाहत अब चंद दिनों के मेहमान है। थैंक यू सर। जाओ। नेहा ने हमें सब कुछ बता दिया, लेकिन हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या हुआ था गणेश के एनकाउंटर के अगले दिन? प्रकाश को हमारे बारे में तुमने बताया और गणेश के बारे में हमें भी तुम ही ने बताया। कैसे कर लेते हो ये बैलेंसिंग एक्ट? हाँ सर, उस दिन क्या हुआ? अपने भाई गणेश को बोलिए कल सुबह तक घर के बाहर ना निकले, उसका एनकाउंटर तय हुआ है। मुंबई से एक टीम आई हुई है। और फिर भी गणेश हमें मिल गया, मतलब प्रकाश ने गणेश को रोका ही नहीं। वो चाहता था कि उसका एनकाउंटर हो जाए। मुझे लगता है अतुल को भी उसी ने मारा है। फिर तो वही बचता ना अकेला, परम खानदान का वारिस। सर वो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन अतुल के मौत के कुछ दिन पहले प्रकाश ने मुझे आई साहब को एक मैसेज देने के लिए बोला था। सुन, तू आई को बोल कि तूने अतुल को एनकाउंटर के बारे में बोला था, लेकिन उसने गण्या को बताया नहीं। आई साहब आप विश्वास रखिए, मैं खरा बोलते हैं। उस दिन मैंने अतुल को मैसेज दिया था कि गणेश को घर से बाहर निकलने को ना कहे, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि अतुल ने गणेश को बताया क्यों नहीं। मैं खुद जाता हूँ मैसेज देने, लेकिन वो मुंबई से टीम आई थी इसलिए मैं जा नहीं पाया। तो अतुल ने गणेश को बताया क्यों नहीं? फर्राम खोर, सलग कत्तार। आई साहब ने अतुल को मारा? मालूम नहीं सर, लेकिन उस दिन मैंने उनकी आंखों में खून देखा था। उसके मोबाइल का लोकेशन तो ये बता रहा है कि वो पूरा टाइम घर पे थी। यहां मैं अतुल के कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही हूं, आप मुझे भी इल्जाम लगा रहे? हमने विट्ठल से पूछताछ की लॉकअप में, अतुल के कत्ल के समय मीना के घर में वो था। पहले हमें लगा कि उसने ही अतुल को मारा है, लेकिन बाद में उसने हमें बताया कि उस वक्त आप भी वहां मौजूद थी, वो तो सिर्फ आपके साथ था। झूठ बोल रहे हो। हमारे पास प्रूफ है, ये सरोता। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.